खबर विकासखंड नवाबगंज से है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 44 वर वधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की और एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक केसर सिंह गंगवार, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा, खंड विकास अधिकारी चंद्र मोहन कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख विनोद दिवाकर मौजूद रहे और सभी ने वर वधु को पुष्प वर्षा करके आशीर्वाद दिया और एक पेड़ सभी को भेंट किया और सभी को खुश रहने की कामना की। ये हमारे नवाबगंज क्षेत्र विकास खंड नवाबगंज और भतपुरा की भी पांच बच्चियां भतपुरा से हैं, बाकी हमारे विकास खंड नवाबगंज से सारी लड़कियां हैं। और ये कितना अच्छा वातावरण है, आप देखिए कि एक लड़की की शादी होती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन आज देखिए इतनी कन्याओं की एक साथ शादी हो रही है, बहुत ही खुशी का दिन है। और इसके लिए मैं योगी जी को अपने और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाए कि जो गरीब कन्याओं की शादी में कोई लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और आज इस तरह की लड़कियों की जब शादियाँ होती हैं तो सारे अधिकारी व्यवस्था में लगते हैं और विधायक और सांसद और मंत्री उस शादी में सहयोग करते हैं, शिरकत करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसी स्कीम लाए थे, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी भी पूरी पारदर्शिता के साथ चयन करते हैं, और चयन करने के बाद अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि जहाँ पर जैसे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, उसके लिए चयन करने के लिए कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अभी हमारे विवाह के मामलों में कुछ इस तरह की शिकायत नहीं आई है। तो मैं इस मौके पर अपने अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी गरीब कन्याओं का चयन करके और एक साथ आज 50 के लगभग हम लोग शादी प्रांगण में यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं ढेर सारी ऐसी कन्याओं के लिए, उनके घर वालों के लिए बधाइयाँ देता हूँ, साथ ही अपने योगी जी और मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीम ला के इन गरीब कन्याओं का विवाह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हो रहा है विवाह। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।